नमस्कार दोस्तों, पीतल से बने बर्तनों का इस्तेमाल काफी समय से होता चला आ रहा है। पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल लोग खाने के साथ साथ पूजा पाठ में भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में पीतल के बर्तनों से जुड़े कुछ ऐसे सरल और अचूक उपायों के बारे में बताया गया है, जिनको अपनाने से व्यक्ति के जीवन में न सिर्फ धन धान्य के भंडार बढ़ते हैं, बल्कि जीवन की तमाम परेशानियों से निजात मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पीतल बर्तन से जुड़े उन्हीं उपायों के बारे में जो आपकी किस्मत बदल देंगे। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि पीतल के बर्तन पर बृहस्पति ग्रह का आधिपत्य होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो इसे मजबूत करने के लिए उस व्यक्ति को पीतल के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। दूसरे उपाय के तौर पर बता दें कि मेहनत करने के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही, आमदनी से अधिक खर्च हो रहा है, तो पूर्णिमा के दिन शुद्ध देसी घी के पीतल का कलश भरकर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाना चाहिए और इसके बाद इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दे। ऐसा करने से आपके घर धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तीसरा उपाय, सौभाग्य और श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, इसके लिए पीतल के कलश में पीली चने की दाल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति के साथ दुर्भाग्य से भी पीछा छूट जाता है। आगे आपको बताते चले कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रहे और जिंदगी में पैसों की कभी कमी ना रहे, तो इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन पीतल के दीपक में शुद्ध देशी घी का दिया जलाकर माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पैसों की किल्लत दूर होती है। आखिरी उपाय के तौर पर बात करें तो यदि दुर्भाग्य की वजह से अगर आपके सभी बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं या फिर बहुत समय से आपका कोई काम किसी कारणवश अटका हुआ है, तो ऐसे में किस्मत का साथ पाने के लिए पीतल की कटोरी में दही भरकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस उपाय को करने से आपके सभी काम बनते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में आए दिन किसी न किसी समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो पीतल के बर्तन के ये सरल टोटके एक बार जरूर अपनाएं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।